चले, अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स के बारे में, तो हम सीख क्या रहे हैं? अभी किसी किसी के बिजनेस में क्या होता है ना, ये मेरा स्पोर्ट्स क्लब, अगर आप मान लो अगर मैं कंज्यूमेबल आइटम्स के बारे में बात करूं, तो अगर अपन कंज्यूमेबल आइटम्स के बारे में बात करें, तो किसी का अगर स्पोर्ट्स क्लब है, तो सर स्पोर्ट्स क्लब में तो एक बात, ये बात सोचना कि मेन जो फीस आती है वो तो किस बात की आती है, सब्सक्रिप्शन की फीस किसकी आती है, सब्सक्रिप्शन की। आप स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करते हो, या मैं बोलूं हमारे यहाँ जिम है, तो सर जिम में आप क्या भरते हो, फीस भरते हो, सब्सक्रिप्शन ही भरते हो ना साल भर का, 10,000 12,000 रुपए। लेकिन क्या स्पोर्ट्स क्लब में, अगर मैं बोलूं क्या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं, सर अब ये तो एक प्रकार से स्टॉक हो गया उनका, हाँ कि ना। जिम में क्या जिम की मशीन्स होती है, सर ये बात भी सही है, जिम में क्या रहती है, जिम की मशीन्स एक प्रकार से उनके एसेट हो गए या स्टॉक हो गया। सर अगर अपन बात करें इसी में एनपीओ में डॉक्टर्स भी आते हैं भाई, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर्स भी आते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए देखो ही बोल रहा हूँ, डॉक्टर्स के लिए मेडिसिन कभी कभी खुद की पुड़िया मान के बेचते हैं, हाँ कि ना, ये उनका क्या हो गया स्टॉक। सर अगर हम टीचर्स की बात करें और एडुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, तो टीचर्स एंड एडुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए जो हमारी स्टेशनरी होती है, सर स्टेशनरी मतलब बहुत सारी आपकी फोटोकॉपी करवाते हैं, बहुत सारे पेन हो गए, पेन की इंक हो गई, ये सब हमारे लिए क्या होती है, अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। पहली बात सही समझ। अभी सर इस अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स को ओवरऑल कितना डेबिट होगा पीएनएल में, बस उसी के बारे में बात करेंगे। टफ नहीं पड़ेगा, इजी पड़ेगा, आप समझिए। पहले मैं कंसेप्ट समझना चाहता हूँ। अगर मैं बोलूं भाई हम डॉक्टर हैं, तो अमाउंट अमाउंट फॉर मेडिसिन, अमाउंट फॉर मेडिसिन पेड ड्यूरिंग द ईयर, समझो मैंने साल भर में मेडिसिन के ऊपर जो खर्चा करा, जो पे करा, वो था 1,30,000। मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास दिन भर पेशेंट आते रहते हैं, उनको मेडिसिन नहीं देता, हाँ कि ना, वो उनकी फीस में ही क्या होती है इंक्लूड। अब आपको चाहो तो आप यहाँ पे मेडिसिन बोल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे स्टेशनरी भी बोल सकते हो, अगर कोई कोचिंग वाला है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्टेशनरी, हाँ कि ना। तो सर जितना आपने मेडिसिन के लिए पे करा क्या उतना ही खर्चा हुआ, कंफर्म? मैंने इस साल मेडिसिन के लिए पे करा 1,30,000, इसका मतलब मेरा खर्चा 1,30,000 ही हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है जिससे मेडिसिन लेके आया हूँ उसके कुछ क्रेडिटर्स बचे हुए, मतलब क्रेडिटर्स एट एंड, इसका मतलब क्या कि वो मेडिसिन वाले ने बोला सर मेरे 25,000 रुपये देना बाकी है, इसका मतलब क्या कि मैं मेडिसिन 1,30 की लाया हूँ क्या, नहीं मैं 1,30 से ज्यादा की मेडिसिन लाया हूँ, 25,000 अभी देने बाकी है। जैसे उसमें क्या रहता आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो इसमें क्रेडिटर्स एट एंड का मतलब ही क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एट एंड। सर ऐसा भी तो हो सकता है 1,30,000 में से कुछ पेमेंट आपने लास्ट ईयर का करा हो, कि भाई लास्ट ईयर का पेमेंट नहीं करा था मेडिसिन का आपने किसी मेडिसिन शॉप वाले को, आपने लास्ट ईयर का पेमेंट करा हो। अगर आपने लास्ट ईयर का पेमेंट चाहे मेडिसिन का हो गया स्टेशनरी का हो गया अगर करा है, तो क्या इस साल का खर्चा है कि लास्ट ईयर का खर्चा है, तो क्या उसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस क्या कर देंगे अपन, क्रेडिटर्स एट। सर ढंग से बोले, आप कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हो, वही बता रहे हो, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग क्या कर देना माइनस। मैंने बोला हाँ, पिछले साल का पेमेंट करा था मान लो कितना, 10,000। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, कुछ कुछ मेडिसिन बहुत बाहर से मंगवाते हैं हम, उसके लिए हमको पहले क्या भेजना पड़ता है, एडवांस, मतलब साल शुरू होने के पहले ही मैंने बहुत सारी मेडिसिन जो हमारी यूएस से आ उसका पहले क्या भेज दिया हो, एडवांस। तो आपने कब भेजा होगा, साल शुरू कब हो रहा है, अप्रैल में, आपने मार्च में क्या भेज दिया था उसका, एडवांस। तो उस एडवांस के रूप में मेडिसिन कब आ गई, मार्च में पेमेंट करा, और मेडिसिन कब आ गई, अप्रैल में। तो क्या इसका इस साल पेमेंट हुआ कि साल के पहले ही पेमेंट हुआ, लेकिन साल के पहले साल के लिए पेमेंट हुआ, रिपीट, साल के पहले किसके लिए पेमेंट हुआ, साल के लिए। तो क्या इसको ऐड करना पड़ेगा, सर वही बात बता रहे हो आप, एडवांस एट बिगनिंग क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवांस एट एंड, इस साल के एंड, मतलब अगर मैं बात करना चाहूं मार्च 2021 में आपने कुछ और मेडिसिन का ऑर्डर दे दिया, वो मेडिसिन इस साल आएंगी या अगले साल आएंगी, तो इस साल मैंने करीबन 50,000 की मेडिसिन का और ऑर्डर दे दिया मार्च में, और पेमेंट भी कर दिया क्योंकि मेडिसिन यूएस से आता। अब बताओ ये जो खर्चा है क्या ये इस साल का खर्चा है कि अगले साल का खर्चा है, तो इसको इस साल माइनस करना पड़ेगा, ऐसा नो, तो सर इसको आपने क्या कर दिया माइनस। सर इसमें नई बात क्या, अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, एक नई बात बस मैं ऐड कर दी, जो आप पहले से पढ़ते थे वैसी चीजें,
अगर मैं लेके चलूं तो बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड करनी है, इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है माइनस। तो इसका मतलब क्या मुझे बताओ, क्या जितनी मेडिसिन खरीदी सब पेशेंट को खिलाई खत्म कर दी क्या? कुछ बड़ी होगी ना, जो पड़ी हुई है जो खत्म नहीं हुई है वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। जो पिछले साल स्टार्टिंग में ऑलरेडी पड़ी हुई थी वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक। तो सर इसमें सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक ऐड करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या करना पड़ेगा माइनस। तो सर ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा माइनस। मतलब ओपनिंग स्टॉक अगर मेडिसिन का 10,000 का पड़ा था तो इस साल यूज हुआ, और इस साल के एंड में 12,000 का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है जो मेडिसिन खर्ची नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा माइनस। वो क्या हो जाएगा माइनस। सर अगर अपन सिस्टमेटिक देखें तो ये चार चीजें तो अपन टाइम है सब्सक्रिप्शन में पढ़ रहे थे, हाँ कि ना? ऐड क्या हो गया, बस ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, यही हुआ। एक बार उतार सकते हो फिर इसको और सिस्टमेटिक तरीके से अब इसी में एक बात और बता देता हूं, कभी भी अगर मैं बात करूं अमाउंट पेड की जगह, अमाउंट पेड की जगह अगर लिखा हुआ आ जाए परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर ऐसा वर्ड आ जाए। सब पिछली बार क्या वर्ड आया था अगर मैं बात करूं तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, इस बार क्या वर्ड आया है परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर परचेजेस वर्ड आ जाए परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर तो इसमें ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा प्लस और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा माइनस। सर इसके अलावा ये बाकी सारी चीजें आएंगी क्या? नहीं, अपन इसको बोलेंगे चल हट। क्या बोलेंगे? चल हट। कब बोलेंगे? जब क्या गिवन हो परचेज। तो जब परचेज गिवन हो, जब वर्ड क्या गिवन हो परचेज, तो उसमें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा माइनस। तो सर इतनी बड़ी रामायण कब आएगी अमाउंट पेड, जब आपको वर्ड क्या गिवन हो अमाउंट फॉर मेडिसिन पेड ड्यूरिंग द ईयर। जब ये वर्ड गिवन हो ना अमाउंट फॉर मेडिसिन पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट फॉर स्टेशनरी एक्सपेंड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट आया समझ में? तो कितनी चीज आएंगी? 6, 1, 2, 3, 4 जो पहले पढ़ते थे, और 5 और 6 में क्या गया ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा माइनस। अब अपन क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ बुक करते हैं। तो सर ठीक है, अच्छी बात है अगर अपन क्वेश्चन नंबर 26 करें बुक का, तो गेम कैसा चलेगा अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में आपको नीचे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 26 में मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ओहो परचेज ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 26 में परचेज ऑफ मेडिसिन कितना गिवन है 60,80,700। तो बताओ 6 चीजें आएंगी कि 2 चीजें आएंगी? सिर्फ ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा प्लस और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा माइनस। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। तो सर आप खुद बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है 175,750 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके पास 144,650। सर क्या बात, मैंने बोला हाँ ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग माइनस, अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो शायद 6,11,800 कुछ आ जाएगा। सर क्या इसको लिखेंगे अमाउंट या मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ईयर? सर अपन ने 6 चीजें क्यों नहीं ली, क्योंकि परचेज गिवन है, परचेज गिवन है तो कितनी चीजें आएंगी 2, और अमाउंट पेड गिवन है तो कितनी आएंगी 6। सर ठीक है, अगर आप ऐसा समझाना भी चाहते हैं तो एक बार अपन क्वेश्चन नंबर 27 के कुछ पार्ट्स देखते हैं, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन नंबर 27 के पार्ट लूंगा, जरा देखिएगा आप और जरा फॉर्मेट अच्छा बनाइएगा ताकि आपके पास भी जगह रहे, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 27 को करने की कोशिश करते हैं अपन लोग। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 27 में जो मैं करवाना चाहता हूँ वो जिस प्रकार से रहेगा कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा अमाउंट ऑफ मेडिसिन, अमाउंट ऑफ मेडिसिन पीडी, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी या मेडिसिन वॉट एवर पेड प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर सर? सर प्लस अपन रखेंगे क्रेडिटर्स एट एंड या आउटस्टैंडिंग एट एंड, जो लिखना हो तब आउटस्टैंडिंग एट एंड लिख दो या क्रेडिटर्स एट एंड लिख दो। सर माइनस क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग,
इसका मतलब क्या, क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग, क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग, फिर क्या हो जाएगा सर, एड क्या करेंगे, एडवांस एट बिगिनिंग, ठीक है सर, माइनस क्या करेंगे, एडवांस एट एंड, ठीक है सर, और क्या रहेगा, प्लस ओपनिंग स्टॉक, और माइनस क्या कर देंगे अपन, क्लोजिंग स्टॉक, तो सर प्लस ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, तो सर ठीक है, अब इसमें आप समझाना क्या चाहते हो, मैंने बोला देखो यार अगर सिस्टमेटिक बात करूं और अच्छे से बात करूं तो मेरे पास पहली चीज क्या है, अमाउंट फॉर स्टेशनरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितना के बने, 5400, फर्स्ट केस में कितने के बने, 5400, और फिर बोला है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च, मतलब क्या ये बने, क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ नहीं के बने फर्स्ट केस में, माइनस कर दो आपका आंसर आ गया 515, तो क्या सर फर्स्ट केस यहाँ पे खत्म हो गया, मैंने बोला हाँ, जब इंफॉर्मेशन इतनी दी थी अपन क्या कर सकते, अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन इतनी दी है तो अपन थोड़ा ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है क्या, ये तो आपका फर्स्ट केस क्या हो गया आपका कंप्लीट, कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट केस, स्टॉक ऑफ मशीनरी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना के बने, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर बने 5400, और ओपनिंग स्टॉक कितना के बने, ओपनिंग स्टॉक के बने 1500, और क्लोजिंग स्टॉक कितना के बने 250, तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा शायद 6650, सर क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, हाँ क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले के थर्ड पॉइंट में गिवन है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितना है 5400, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, स्टॉक ऑफ मशीनरी ऑन 1st अप्रैल, तो 1st अप्रैल को कितना स्टॉक था 1500, थर्ड पार्ट, क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग, ओपनिंग क्रेडिटर है ना कितने के 1000, तो ओपनिंग क्रेडिटर तो क्या हो जाएंगे माइनस, और फिर क्या दिया हुआ है, अमाउंट पेड लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक के बने कितना 250, क्लोजिंग स्टॉक कितना के बने कर दो माइनस 5600, तो आंसर आ गया 5650, सर क्या बात कर रही हो, तो अपना चार्ट चार्ट में गेम होते जा रहा है, मैंने बोला हाँ ये जो पूरा गेम हुआ ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 27, मैं थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में चलूंगा ताकि अपन समझ पाए कि इसमें कुछ भी नहीं है, वी आर गोइंग थ्रू क्वेश्चन नंबर 28, बताओ क्वेश्चन नंबर 28 में क्या गिवन है, एक तो सबसे एंड में गिवन है पेमेंट मेड टू क्रिएटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना 1,00,000, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 28 है ना वो सीबीएसई 2020 में भी आया है, मतलब ये बोर्ड्स की चॉइस है दोस्तों 2020 में, ठीक है, तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स कितना है 1,00,000, अच्छा अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 डाल दिया भाई ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है कितना 7,500 डाल दिया भाई 7,500, फिर क्या गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स ओपनिंग के कितने 20 और क्लोजिंग के कितने 22,500, तो क्रेडिटर्स क्लोजिंग के हैं 22,500 और ओपनिंग के कितने हैं 20,000, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, अगर फाइनल आंसर निकालें तो मेरे ख्याल से इसका 1,05,000 रुपए आ जाएगा, सर क्या बात है, मैंने बोला हाँ आंसर टैली भी हो रहा है, और उन्होंने ये भी पूछा है शायद आपसे कि हाँ अमाउंट टू बी क्रेडिट कितना 1,05,000, एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं अब इस तरफ अपन, अगर अपन इसको क्वेश्चन नंबर 29 को इस तरफ सॉल्व कर ले तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या गिवन है, सर देखो स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, इसको फिलहाल इग्नोर कर फिलहाल के लिए, इसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स कितना गिवन है 91,000, ये अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स कितना 91,000, मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट इग्नोर करा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, मैं इवन जो कैश परचेजेस है कितनी है, कैश परचेज और स्पोर्ट्स मॉल कितना है 40,000, तो इन शॉर्ट अगर अपन बात करें तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 40,000, 90 प्लस कितना 91 प्लस कितना 40, क्योंकि 91 क्या है क्रेडिटर्स को पे करा और 40,000 का माल क्या करा नगद खरीदा,
तो टोटल अमाउंट कितना पे करा, 91 प्लस 40, तो इन दोनों को समझ लेना, ये टोटल क्या हो गया अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, दिस इज सेकंड पॉइंट एंड दिस इज व्हाट थर्ड पॉइंट। अगर आप समझोगे तो ये वाला पैसा आपने क्रेडिटर्स को पे करा और ये पैसा आपने नगद में पे करा, मतलब तो एक बता दो टोटल कितना पे करा, 91 प्लस 40, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है शायद कितना 50 और क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है 55, ओपनिंग स्टॉक कायम है, ओपनिंग स्टॉक क्या कर दो ऐड कर दो कितना 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दो माइनस कर दो 55,000। सर और क्या गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, ओपनिंग कितने 37, क्लोजिंग कितने 45, तो 45 को क्या कर दो प्लस और 37 को क्या कर दो माइनस। अब इस सबसे पूरा आंसर कितना आ रहा है अगर अपन देखे, सर देखो यहाँ पे माइनस 5 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 8, 1,34,000 आ रहा है, ठीक है ना, 1,00,000 कितना आ रहा है 34,000, ठीक है। अब इसमें से आपने ऊपर स्पोर्ट्स मटेरियल कितनी बुक वैल्यू का सोल्ड करा 50,000, तो 50,000 इसमें से क्या कर दो माइनस, कौन सी वैल्यू बुक वैल्यू, कितने में सोल्ड करा जो 56,000 रुपए, वो हम उसको अलग से लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, उस 6,000 का अलग ट्रीटमेंट होगा, उस 6,000 क्या होगा अलग ट्रीटमेंट। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 1,34,000 और इसमें से 50,000 जो आपके स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड हुआ। अभी एक बात बता दूं इसका मतलब क्या हुआ, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड का मतलब ये पैसा, जैसे एग्जांपल हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा था पुराना हो गया था, कुछ बॉल्स पड़ी थी पुरानी हो गई थी, कुछ बैट्स पड़े थे पुराने हो गए थे, हमने उनको बेच दिए, हाँ कि ना, तो क्या वो मेरे रेगुलर बिजनेस की इनकम है क्या? मेरा काम तो क्या क्लब चलाना, क्लब में जो बच्चे आते हैं उनको मैचेस सिखाना, उनको प्रैक्टिस कराना, ये सब कराना। स्पोर्ट्स मटेरियल बेच के कोई प्रॉफिट हुआ भी है, 50 का माल आपने कितने बेचा है 56 में, तो वो 6,000 का प्रॉफिट अलग से शो। अब एक बार बताओ डॉक्टर ने क्या करा, एक डॉक्टर ने, डॉक्टर की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पेशेंट को देखना, उनसे फीस देना। अब डॉक्टर ने के पास एक बंदा है ऐसा करो, आपके पास मेडिसिन पड़ी ना 10,000 की, मेरे को दे दो 12,000, अब डॉक्टर ने कहा चल ठीक है फालतू पड़ी वैसे भी खराब हो जाएंगी, दे जा तू 12,000। अब क्या ये डॉक्टर की मेन सोर्स ऑफ इनकम थी क्या? नहीं, तो क्या इसको अलग से ट्रीट करेंगे? तो डॉक्टर ने जो 10,000 की मेडिसिन बिना सब्सक्रिप्शन के बेच दी, गेटिंग इट, तो क्या उसको माइनस करना पड़ेगा? हाँ, इसलिए 50,000 यहाँ पे क्या हो गए माइनस और एंड में आंसर कितना आ गया 84,000। तो इस क्वेश्चन के दो क्रूशियल पॉइंट, एक तो फर्स्ट पॉइंट था स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड हुआ, उसको मैंने क्या कर दिया माइनस। अब कुछ बच्चों को लगा था सर अमाउंट यहाँ पे लिखते क्या अपन, अमाउंट फॉर स्टेशनरी पेड, तो इसमें जो आपने क्रिएटर्स को पे करा है वो भी आएगी और जो आपने कैश में पे करा है वो भी आएगी, तो ये आपने क्रिएटर्स को पे करा था और ये आपने इसमें पे करा था कैश में, तो क्या सर दोनों आ जाएंगी? मैंने बोला हाँ ये दोनों आ जाएंगे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर व्हाट 29। सर ऐसा कि ऐसा अगर आप अलाउ करो तो क्वेश्चन नंबर 30 भी करें क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या क्या गिवन है, क्रिएटर्स भी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, एडवांसेस भी गिवन है, कुछ अमाउंट पेड दिख रहा है क्या? सर इसमें क्या गिवन है, कैश परचेजेस दिए बने और क्रेडिट परचेजेस गिवन है। सर एक वर्ड आ रहा है परचेजेस, ओहो परचेजेस ऑफ कैश, परचेजेस ऑन क्रेडिट, वर्ड आ गया परचेजेस। सर परचेजेस वर्ड आ गया, इसका मतलब ही क्या, क्या इसमें 6 चीजें आएंगी कि 2 चीजें आएंगी? तो सर परचेज ऑन कैश प्लस क्रेडिट एड कर दो 2,76,000 प्लस कितना 46,500, इन दोनों को ऐड कर दो और इसमें सिर्फ एक ही चीज होगी प्लस व्हाट ओपनिंग स्टॉक और माइनस व्हाट क्लोजिंग स्टॉक। सर आपने पहले ही बता दिया था कि जब भी परचेजेस आएगा तो कितनी चीजें आएंगी, 6 कि 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। सर क्या ओपनिंग स्टॉक गिवन है? हाँ यार ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है 60,000 शायद, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है कितना 10, तो 60,000 प्लस कर दो और 10,000 क्या कर दो माइनस। तो सर अगर अपन इसका टोटल आंसर देखें तो अप्रोक्स अगर आप लोग खुद देखोगे तो 3,72,500 आ जाएगा। सर ठीक है ये बात भी अच्छी है। अब अगर मैं और सिस्टमेटिकली बताना चाहूँ आप लोगों को आगे चल के तो हम किस तरफ जा रहे हैं, अगर सिस्टमेटिक बात करें तो 31 वाले में अगर अपन देखे क्वेश्चन में वापस से, मतलब रिंगा रिंगा रोजेस खेलेंगे अपन, क्या अमाउंट, अरे यार इसमें अमाउंट पेड गिवन है।
अगर अमाउंट पेड गिवन है तो दो आएंगी कि छह? तो सर आपको अमाउंट पेड जैसे गिवन है तो आपके लिखो छह। बताओ अमाउंट पेड में क्या आएगा? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स वाला भी पार्ट आएगा और कैश वाला पार्ट भी आएगा। शायद क्वेश्चन नंबर 37 में क्रेडिटर को आपने पे करे हैं कितने, अमाउंट पेड नहीं, सीधे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी गिवन है कितना? 108,000। सर ठीक है, सर ऐड क्या करते हैं अपन? क्रेडिटर्स कौन से वाले? एट एंड। और माइनस क्या करते हैं? क्रेडिटर्स कौन से वाले? एट बिगिनिंग। सर फिर अपन प्लस क्या करते हैं? सर प्लस करते हैं एडवांस एट बिगिनिंग, और माइनस क्या करते हैं? एडवांस एट एंड। प्लस क्या करते हैं उसके बाद? ओपनिंग स्टॉक क्या करते हैं? प्लस। और क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं? माइनस। ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? माइनस। अभी देखो सबसे पहले पहले गिवन है आपको ओपनिंग स्टॉक, देखो कितना है 30,000। फिर सेकंड नंबर गिवन है ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 30,000। सर मतलब ये तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का लग रहा है, मैंने बोला ना वो ये तो कितना है स्कोर किया। एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, अगर 2020 में कुछ एडवांस दिया है तो वो क्या है? एडवांस एट बिगिनिंग कितना? 2000। फिर क्या गिवन है? अमाउंट पेड डाल दिया। फिर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है कितना? क्लोजिंग स्टॉक चेक करो, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,000। फिर क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी कितना? 13,000। सर सही है ये भी। फिर एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी आखिरी वाला पार्ट है दोस्त, 2021 गिवन है तो सर ठीक है। एंड कितना? 3,000। चेक करो यार ये सब कितना आ रहा है, हिसाब किताब करोगे तो आराम से 125,000 आ जाएगा।